नमस्कार, द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश में सियासी पारा काफी चढ़ गया। प्रदेश के प्रमुख दलों ने एक तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सभी जिलों में जिला मुख्यालयों व तहसील के मुख्यालयों पर अपना धरना प्रदर्शन किया। वहीं ओवैसी ने पश्चिमी यूपी में अपना दौरा किया। वह गाजियाबाद से संभल और मुरादाबाद के दौरे पर पहुंचे। वहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान ओवैसी ने खुद को लैला तो सीएम योगी को अपना मजनू बताया। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। तो उत्तर प्रदेश जनता को धोखा दिया है, हम डेटा दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं, हमको ये बता दें कि रूरल उत्तर प्रदेश में जो शॉर्टफॉल है हेल्थ सब सेंटर्स का, क्या वो 40% नहीं है? रूरल उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक हेल्थ पीएचसीज हैं वो 49% का शॉर्टेज है ही नहीं है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 53% का शॉर्टफॉल है और उस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 84% स्पेशलिस्ट नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि 22 नवंबर 2019 को लोकसभा में मोदी सरकार ने एक जवाब में कहा कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर पेशेंट का वर्स रेशियो है। क्या है वो? कि सैंक्शन स्ट्रेंथ जो है 4509 डॉक्टर्स की है और सिर्फ 1344 काम कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे। लेकिन सर सुनिए 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 प्रधान और प्रधानमंत्री जिससे आपको बड़ी मोहब्बत है, देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, मोहब्बत करना कोई जरूरी नहीं है किसी प्रधानमंत्री से, आप उनके खिलाफ भी बोल सकते, संविधान कहता है। ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ के बजाय रूल ऑफ गन चल रहा है। आतंकी गतिविधियों में गिरफ्तारी पर ओवैसी ने कहा कि कोर्ट इन लोगों को बेकसूर कहेगी तो आरोप लगाने वाले माफी मांगेंगे। ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने योगी सरकार में कानून व्यवस्था को काफ़ी अच्छा बताया था। ओवैसी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री को गंगा में तैरती हुई लोगों की लाशें नहीं दिख रही जिनकी कोरोना में ऑक्सीजन व स्वास्थ्य सेवाएं मिलने से मौत हो गई थी। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे उन पर अब कानून का शिकंजा है। यही दुखी और अफसोस की बात है और बड़ा ताज्जुब भी हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश की जनता की तकलीफ, उनकी मौत, उनकी बेबसी से इतना डिस्कनेक्ट हैं देश के प्रधानमंत्री कि आज बजाय वो हकीकत का इकरार करते और वो ये कहते कि उत्तर प्रदेश की सरकार और नरेंद्र मोदी की दिल्ली की सरकार कोविड के सेकेंड वेव में देश की जनता को उनकी जान बचाने के लिए हम नाकाम साबित हुए, तालिबान बजाय अपनी नाकामी को कबूल करने के, अपनी फेलियर्स को मानने के, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में जो कम से कम 2 से 3 लाख लोग की सेकेंड वेव कोविड में जो मौत हुई है, जिनकी लाशें आपने मीडिया ने दिखाई कि पानी के ऊपर तीर रही थी।